इस मायलेज टेस्ट के चक्कर में हम लोग साथ क्या कांड हो जाता है आज। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और तभी समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, कि क्या हो जाता है अचानक से हम लोग के साथ। इसलिए प्लीज़ इसको पूरा देखना, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। 2 मिनट देख के मत छोड़ना और प्लीज़ पूरा देखना। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपनी अपाची 164B BS6 का माइलेज टेस्ट। तो अभी हम इसका फ्यूल ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें फ्यूल डालते हैं और चेक करते हैं इसका टोटल माइलेज कितना देता है। हम गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए हैं, उस हिसाब से एक एवरेज मान लो कि इंसान जैसे गाड़ी चलाता है तो नॉर्मल यूज़ में कितना एवरेज देती है। तो गाइस जैसे ही ख़त्म होता है ऊपर ये आधा लीटर हम दिखा चुके हैं मीटर पे पूरा कितने पड़ा अपन को, 55 रुपए का डलवा है आधा लीटर तेल। जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद अपन इस तेल को डाल के माइलेज टेस्ट करना इसका स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग, फ्यूल ही ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं कैसा है ये। देखो नगर परिषद बुढ़ार में आपका स्वागत। गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोन गिर चुका था, हमको पता भी नहीं चलता, फिर गाड़ी खड़ी करते हैं तब यहाँ पे जेब देखते हैं है ही नहीं। हाँ यहाँ से इस रूट में गिरा है बस, क्योंकि देख लेंगे वहाँ की, ट्रैक करेंगे घर जाके उसमें आईफोन। तो इसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है यार, लेकिन बहुत ही ज्यादा गंदा सीन हो गया। इतना गाड़ी तेज चलाते टाइम हम लोग को समझ में नहीं, आईफोन 13 गिर गया यार। तो अरे यार बहुत ज्यादा, क्या ही बताऊँ, रो भी नहीं सकते यार, क्या आईफोन 13 चला गया यार। पैदल चल के देखता हूं प्लीज़, क्या ही बताऊँ, संकेत बोलता है पैदल चल के देखूँगा। सुन वो दे तेल, मैं देखता हूँ माइलेज टेस्ट नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है भाई। सत्येंद्र को फोन लगाना, फाइंड माई में देखे ना यार वो। गाइस देखो जैसे इसका फ्यूल ख़त्म होता है मैं इसमें डालता हूँ। भाई यहाँ पे कहीं मोबाइल देखे यार, गिर गए अभी अभी। अरे यार माइलेज टेस्ट क्या ऐसी तैसी यार। तो गाइस ये गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, इसमें डाल रहे हैं, लेकिन क्या बताऊँ यार मेरे को इतना रोना आ रहा है। मेरा आईफोन 13 यार कहीं गिर गया। इतने खुश थे ऐसी तैसी हो गई यार, खाना भी नहीं खाया। ये 0 कर देता हूँ, बाकी माइलेज टेस्ट में आपको दिखाता हूँ। तो भैया से पूछ के देखता हूँ, भैया यहाँ कहीं मोबाइल गिर गया देखें आप, मोबाइल गिरा एक तो अभी थोड़ी देर पहले, किसी को पता है? हाँ हाँ मेरा अब नहीं, तो यहाँ पे रखा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, बुढ़ार पहुँच के तब देखा। कहाँ गया कैसे गया, रोड में कहीं भी नहीं है मोबाइल, अब पता नहीं गिरा होगा तो फूड भी गया होगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कैसा फील कर रहा हूँ मैं ही समझ सकता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया यार। पहले तो बाइक का हमारी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मेरा आईफोन 13, पूरे वीडियोस उसमें सब कुछ था, पैसे भी नहीं है यार, तभी तो राइडिंग जैकेट वगैरह नहीं खरीद रहे थे, और यहाँ पूरा फ़ोन ही चला गया। वीडियो भी पता नहीं बना किस लिए रहा हूँ, जब सूट हो रही थी ठीक होगी तो फोन वही बंदे को मिला, कंडीशन एकदम वेल, स्क्रैच भी कुछ नहीं, स्क्रैच नहीं आया। ठीक है ठीक है, धनपुरी बाजार पहुंच रहा हूं। 5 तो गाइस वहां पे यादवन जा रहा है दौड़ के गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट फ़ोन किए थे हम लोग, फ़ोन लग गया था, तो बंदा फ़ोन उठाया, बोला भाई फ़ोन तो दे दूंगा लेकिन 4-5 हज़ार रुपये दो, उसके बाद फ़ोन लौटा दूंगा। वो धनपुरी बाजार में बोला आके ले जा फ़ोन, तो बोला भाई 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। गाइस फाइनली फ़ोन तो अभी मिला नहीं, हाथ नहीं आया, लेकिन देखते हैं धनपुरी बाजार जल्दी से पहुँचते हैं तो शायद मिल जाए फ़ोन। हमें वो पता है 100 लोग बोलेंगे इसमें, कमेंट करेंगे कि स्क्रिप्टेड वीडियो है, स्क्रिप्टेड वीडियो। यहाँ जिस तरीके की मेरी हालत हो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ यार। हाँ बोल रहा है 5 हज़ार रुपये दे दो मेरे को, फ़ोन दे दूंगा, क्या करना है यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, दूँ या ना दूँ। तो लड़का हमारे बगल से भी निकला, तब हमको फ़ोन तो नहीं दिया, हम रिटर्न गया, कुछ हमको नहीं बोला, वहाँ पक्का लड़के लड़के लेके साथ तक खड़ा होगा कि पैसे नहीं देंगे। तो ऐसा ऐसा भाई वो एक हिसाब से चोरी करके भागा ना, हमारे बगल से निकला वो लड़का, हमको नहीं बताया, जल्दी जा रहे हैं इसलिए 80 भगा रहे हैं, माइलेज टेस्ट कुछ देखेंगे देखेंगे। तो
गाइस 19% बैटरी और हम धनपुरी में इंटर कर लिए, देखते हैं क्या होता है। लड़का कहाँ बुला रहा है यार, पक्का 3-4 लौंडे ले खड़ा है। आवाज भी आ रही थी, कॉन्फ्रेंस भी किया था किसी को कॉल, देखो क्या होता है। बाकी माइलेज टेस्ट तो दिखा ही रहा हूँ आपको, बहुत महंगा पड़ गया है। देख रहे हो यार कहीं से चल रहे हैं चाचा, अरे उधर से इधर बोल रहे हैं यार, पूछ नहीं इससे। भैया रंगमंच कहाँ पे है? रंगमंच ये वाला, यही है क्या रंगमंच? भाई बता ना उसको, पहुंच गए अपन। GoPro गाइस, यही लड़का पाता हमारा फोन, लेकिन यहाँ पे लोग झूठ बोलते। कौन पा रहा? पिल रहा तो नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है यार, बस ये पिल रहा है थोड़ी सी। नहीं उसके बाद हम लोग रिटर्न भी हुए हैं यार। गिरने का स्विच ऑफ हो गया था फोन में। हाँ अच्छा, कुछ पहल रहा नहीं यार, इसमें सब कुछ है मेरा साला। हाँ हाँ बस यार बहुत, एक तो स्पीड में गाड़ी थी, मेरे को लगा खत्म हो गया होगा फोन। कहाँ पे गिरा रहा है ये? वैसे देखो इसको सब पता है कहाँ था फोन, उधर। अच्छा इस साइड, मतलब यहाँ पे बस 2 मिनट वीडियो को देखना, पूरा सब साफ साफ समझ में आ जाएगा। लोग झूठ बोल रहे हैं, पाया नीले शर्ट वाला फोन, तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी 2 मिनट में पूछा भी लगा है क्या, है ना, उसके बाद गिरा। उसके बाद गिरा नहीं सकता यार, क्योंकि जब पूछे हो ना मेरे से तब लग चुका, दरगाह के पास गिरा आपको, पता ही नहीं चला अपन को। सोच भाई कम से कम सही सलामत है भाई, इतनी स्पीड में गिरने के बाद 110-111 में थी गाड़ी। हाँ यार नहीं, वो सब कुछ चालू था वो। तो आपको मिल रहा नहीं, फिर हम लोग देखो कैसे झूठ बोल रहा है, जबकि हमारे पास पूरी वीडियो क्लिप है। ये नीले शर्ट वाले के अलावा वहाँ पे कोई लड़के नहीं थे, दिखाता हूँ आपको क्लिप, देखो आप। यही पेन केस बोलता है, पैर में कुछ लगा तो हम गाड़ी को स्लो डाउन कर देते। फोन मिल गया, 1000 रुपये लोग लिए, हम लोग भी दे दिए भाई। क्या सोचे हो गए, ठीक है चलो फोन मिल गया, वो लोग फेंक ही देते, मान लो उनके काम तो आता नहीं। कुछ भी हो जाता, फोन पूरा सही कंडीशन में है, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फ़ोन कंडीशन भी दिखा देता हूँ, जो किसी को लग रहा होगा हम लोग फ़ोन गिरा ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कि ये इसमें स्क्रैच पड़ा है, फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ बहुत सही है। यहाँ पर स्क्रैच पड़ा हुआ है और ये देखो यहाँ कंडीशन देखो, ये पूरा ये कुछ भी नहीं था मेरे फ़ोन पे, पूरा सही सलामत। हाँ ये पेमेंट किए उसको 1000 रुपये धनपुरी में, ये गायब हो गया उसका ये। बाकी फ़ोन पूरा भाई पूरा अंदर कुछ भी नहीं हुआ, बैक कवर के चलते। ओहो यहाँ पे लगा है यार थोड़ा सा, ये यहाँ पे हल्का डेंट लग गया भाई देखो। अब फ़ोन में डेंट तो मारूंगा नहीं यार मैं 70,000 के मोबाइल में जानबूझ के। फ़ोन मिल गया यार, फ़ोन मिल गया। बाकी माइलेज टेस्ट अब खुद ही दिखाते हैं यार, अभी रोना पड़ रहा था, अब खुद ही से दिखाएंगे माइलेज टेस्ट। अब देखते हैं, अभी हमारी गाड़ी 15 किलोमीटर चल गई, 16 किलोमीटर, आधा लीटर हमने इसको फ्यूल अप करवाया था। गाइस जल्दी जल्दी में हम लोग बॉटल ही फेंक दिए हैं इसका, तो पता नहीं रीफ्यूल कैसे करवाएंगे। 19 किलोमीटर चल गई, आधे लीटर तेल डलवाएं जिसमें सिर्फ, अब देखते हैं क्या होता है आगे। धक्का देना पड़ेगा फिर पेट्रोल टंकी तक। बाकी गाड़ी 19 किलोमीटर चल गई, 20 चल गई, तो मतलब 40 प्लस एवरेज हो जाएगा इसका। तो इसका गाड़ी की काफ़ी एवरेज है यार, मेरी गाड़ी 33 हाईएस्ट। चलो यार बॉटल मिल गई अपन को, उठा ना जल्दी, पागल है क्या। जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा इस, तो उसके लिए हम लोग वहाँ से बॉटल में ले रहे हैं दूसरा, ताकि हम लोग घर पहुँच सकें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। उसके बाद शहडोल हम लोग को 20 किलोमीटर, बुढ़ार से 20 किलोमीटर शहडोल पड़ेगा। फालतू तो आते नहीं यहाँ पे हम लोग, गिर गया था फालतू किधर, इधर ना।
ठीक है, आओगे तुम भी वीडियो में। पूछ ना स्टार्ट किए हैं भाई, 300 प्लस है गाइस। इसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये एक्सलेट करने में भुक भुक हो रही, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही अब ये इसलिए धीरे धीरे जाने देता हूँ जितना मैक्सिमम जा सकती है। दो लोग में हम लोग माइलेज टेस्ट किए हैं। अभी चल रही है ये, इसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, अंतिम सांसें 21.6 में बंद हो जाएगी ये। फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है, बार बार हमें करंट स्टार्ट हो रही, थोड़ी और चल के देखते हैं चलेगी तो। चल रही लेकिन ये ख़त्म हो गया है, वो 21.6 21 किलोमीटर 43 का एवरेज, 43 किलोमीटर पर लीटर पे चल सकती है आराम से। 43.4 हाँ वही अप्रॉक्स वही मान लो 43 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसका। तो वीडियो यहीं पे अपन लोग ख़त्म करते हैं यार गाइस, बहुत ज़्यादा ही आज परेशान हो गए। देखो सुबह से खाना नहीं खाते वीडियो के चक्कर में, 5:14 हो गया, अभी यहाँ से एक घंटा तो हम लोग शहडोल पहुँचने में लग जाएगा। 5:30 मेरा जिम रहता तो वो भी नहीं जा पाऊँगा आज। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।